हेलो वेंटर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से ज्यादा जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अंडर विच स्कीम सिडबी प्रोवाइड्स असिस्टेंस बाय वे ऑफ रीफाइनेंस टू शेड्यूल्ड बैंक्स लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स एंड सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सिडबी का मतलब समझो। सिडबी क्या है? देखो, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट और डेवलप करने का काम करती है और उनको हर तरह की फाइनेंशियल और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सिडबी यहाँ पर सिडबी ने ना एक स्कीम बनाई है जिस स्कीम के अंदर जितने भी यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंस वो प्रोवाइड करते हैं। रीफाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स जो भी लोन देती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो सिडबी जो है ये लोन वापस कर देती है किसको? हमारे बैंकों को। जैसे अगर एक बैंक ने मान के चले 50 लाख रुपए का लोन दिया माइक्रो इंटरप्राइजेस को, तो सिडबी क्या करेगा? 50 लाख रुपए वापस दे देगा इस बैंक को ताकि इसके पास फंड्स की कमी जो है वो ना हो सके। तो ये जो रीफाइनेंस फैसिलिटी होती है वो किस स्कीम के अंदर दी जाती है? पहले देखो, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम, रीफाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सी स्कीम है जिसके अंदर सिडबी शेड्यूल्ड बैंक्स को रीफाइनेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे चलकर जो एमएसएमई सेक्टर है उनको फंडिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके? कौन सी स्कीम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स अंडर द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम। तो अगर इस स्कीम के अंदर कोई भी शेड्यूल बैंक रीफाइनेंस लेना चाहती है सिडबी से तो उसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसे बैंकों को फुलफिल करना पड़ता है? पहले देखो, ऑपरेशनल फॉर मिनिमम 3 इयर्स एंड प्रॉफिटेबल फॉर द प्रीवियस 2 इयर्स, यानी कि जो बैंक है वो कम से कम पिछले 3 सालों से काम करती होनी चाहिए, साथ के साथ पिछले 2 सालों के अंदर उसने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल होता है। उसके बाद होल्डिंग साइजेबल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो इस बैंक ने अच्छा खासा लोन जो है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को दिया होना चाहिए। देखो, जब ये बैंक्स माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन देती है तभी सिडबी इनको रीफाइनेंस जो है वो देती है। तो अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करती तो उसे रीफाइनेंस नहीं मिल सकता है। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट नॉट लेस देन 9% एट द लेवल ऑफ एनपीए नॉट एक्सीडिंग 10%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट होता क्या वो समझ लीजिए। तो जब भी कोई बैंक यहाँ पर लोन देती है, ठीक है, तो वो जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो बैंक की क्या होती है? एसेट्स होती है। और उन एसेट्स में से कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनके ऊपर बैंक को डाउट होता है। डाउट होने का मतलब क्या है? हो सकता है कि जो बॉरोवर है वो डिफॉल्ट कर दे, वो पैसा ना दे, तो इन एसेट्स को हम रिस्की एसेट कहते हैं। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर रिस्की एसेट्स होती है ना उसके कंपेरिजन में बैंकों को एक मिनिमम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे अगर बैंक की मान के चलो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रिस्की एसेट्स हैं, 10% यहाँ पर अगर रेशियो है तो उसे 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 करोड़ कैपिटल जो है अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि अगर बाय चांस ये बॉरोवर डिफॉल्ट करता है तो वो इस लॉस को जो है वो कवर कर पाए। और इस रेशियो को, ये जो 10% है ना, इसी रेशियो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो कहते हैं। तो ये 9% से कम नहीं होनी चाहिए बैंक की, साथ ही साथ उसकी जो एनपीए है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है एक बैंक को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगर कोई बैंक सिडबी से रीफाइनेंस स्कीम के अंदर रीफाइनेंस चाहती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहती है, तो उसे ये सारे कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द सिडबी मेक इन इंडिया फंड। देखो, सिडबी ने एक यहाँ पर मेक इन इंडिया नाम का फंड जो है वो सेटअप किया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों सेटअप किया गया था इसे? पहला, टू
प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप्स, तो इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, या फिर टू प्रोवाइड लोन्स एक्सक्लूसिवली टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, या फिर टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ मैनुफेक्चर गुड्स, तो जो मैनुफेक्चर गुड्स है उनके इम्पोर्ट को बढ़ाना, या फिर मेक अ एमएसएमई वर्ल्ड क्लास मैनुफेक्चरिंग हब फोकसिंग ऑन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इस फंड का मेन पर्पस यही था कि हमारा जो एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसे एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हमारे देश के अंदर ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो, जिसके लिए यहाँ पर 25 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो इस केस स्टडी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ऑन 8 अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना थी इसे किस लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च जो है वो किया गया था, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इस स्कीम को लॉन्च करने का हमारा पर्पस क्या था, हम किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना चाहते थे, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। देखो हमारी जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, कुछ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो उनको तो फंडिंग मिल जाती है, जो हमारा यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वहां पर उनको फंडिंग वगैरह मिल जाती है, पर हमारा जो नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है जो कि यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो है वो लेकर आई गई। तो मेन पर्पस क्या था इस स्कीम का, कि जितने भी हमारे नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना काम सही तरीके से जो है वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। तो इसमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंदर रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर जो है वो काम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में मुद्रा कहते हैं। देखो ये जो स्कीम थी वो कैसे काम करती थी, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा बेसिकली क्या है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। इसका काम क्या होता है कि हमारी जितनी भी यहाँ पर बैंक्स है, जितने भी हमारे यहाँ पर बैंक्स हैं, उन्होंने नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं वो रीफाइनेंस कर देगी। कैसे, तो अगर मान के चलिए एक बैंक है, उसने यहाँ पर 9 लाख रुपए का लोन दिया है, तो ये जो एजेंसी वो क्या करेगी, इस बैंक को 9 लाख रुपए फिर से दे देगी ताकि ये फिर से आगे चलकर लोन जो है वो दे सके। ठीक है, तो इसका काम पता लग गया कि जो भी बैंक से यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है उनको रीफाइनेंस जो है वो कर देना ताकि वो आगे चलकर हमारे जो मेन इंटरप्राइजेस है जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हैज बीन क्रिएटेड एज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू एलिजिबल इंटरप्राइजेस थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो अभी जो मुद्रा थी, ठीक है, जो मेन एजेंसी थी हमारी इस योजना के अंदर, तो ये डायरेक्टली जो है कंपनीज को लोन वगैरह नहीं देती। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ये माइक्रो इंटरप्राइज है जो कि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये जो मुद्रा है वो इस योजना के अंदर डायरेक्टली इसको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इंटरमीडियरी का यूज करती है। इंटरमीडियरी कौन होता है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो मुद्रा क्या करता है, लोन पहले इन्हें देता है इंटरमीडियरी को, यानी कि जैसे कमर्शियल बैंक को दे दिया, फिर कमर्शियल बैंक आगे चलकर लोन जो है वो जो मेन इंटरप्राइजेस है, एलिजिबल इंटरप्राइजेस है, उनको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम लोन यहाँ पर कितना दिया जा सकता है मुद्रा के द्वारा, फटाफट से यहाँ पर बता दिए मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर कितनी है। तो जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो है हमारी यहाँ पर 10 लाख। 10 लाख इज अ करेक्ट आंसर, 10 लाख इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि मुद्रा स्कीम के अंदर जो मुद्रा योजना है उसके बाद उसके अंदर जो मुद्रा है वो मैक्सिमम जो रीफाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, एनबीएफसी को, वो है 10 लाख रुपए हर एक एलिजिबल एंटिटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है सिडबी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर एसएमई सेक्टर ग्रोथ। ठीक है,
तो देखो सिडबी के साथ साथ ना कुछ और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिडबी के साथ में मिलकर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको डेवलप करने का जो है वो काम करते हैं, उसको डेवलप करने का जो है वो काम करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस क्या है, उनका क्या काम है, उसी से रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ कंट्रीज फर्स्ट एआरसी सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अंडरटेकिंग विद द फोकस ऑफ स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए इन द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि जब ये बैंक्स एमएसएमई सेक्टर को लोन देती है, तो कई बार क्या होता है कि जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं जैसे कोई माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो डिफॉल्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एमएसएमई के अंदर जो है बैंक की एनपीए जो है वो क्रिएट हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्रिएट हो जाती है क्योंकि बॉरोअर ने डिफॉल्ट कर दिया था। तो कौन सी यहाँ पर कंपनी जो है वो बनाई गई थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ताकि ये जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर बैंकों के एनपीएज हैं उनको स्पीडली जो है रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि उसको उसको जो भी पैसा वगैरह है उसको रिकवर किया जो है वो जा सके। तो कौन सी कंपनी थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, या फिर इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर रिलायंस एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बेसिकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बैंकों से ऐसे एनपीए जो कि एमएसएमई सेक्टर से क्रिएट हुए हैं उनको एक्वायर कर लेती है और उसको स्पीड वे में जो है रिजॉल्व करती है, चाहे सेल करके चाहे पैसा कलेक्ट करके जो है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करती है, ताकि बैंकों के ऊपर बर्डन जो है वो एनपीए का कम हो सके, ताकि वो एमएसएमई सेक्टर को और लोन जो है वो दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, डैश वॉज सेटअप ऑन February 25, 2016 एज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑपरेट इंडिया फर्स्ट ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग सिस्टम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवर्स ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिसीवेबल्स हैं क्या, क्योंकि इन्हीं को फाइनेंस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है वो बनाया गया था। देखो हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो जब सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के, वो दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं कैश बेसिस के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने सेल की और उनको पैसा मिल गया, एक होता है क्रेडिट बेसिस के अंदर वो उधार पे जो है वो सामान बेचते हैं, यानी कि उन्होंने सामान तो अभी बेच दिया पैसा कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो जो भी क्रेडिट सेल्स की जाती है, तो जो भी क्रेडिट सेल्स की गई है उनकी जो इनवॉइसेस हैं या फिर फ्यूचर में जो भी पैसा मिलने वाला होता है, जैसे अगर एक्सवाइज़ेड कंपनी ने 50,000 रुपए की क्रेडिट सेल किया और फ्यूचर में 3 महीने के बाद उसे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो यही आपका रिसीवेबल कहलाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसकी वजह से जो एमएसएमई सेक्टर होता है उसे फंडिंग फंड्स की जो है वो कमी हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है वो लेकर आया गया था, ट्रेड रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जहां पर हमारा जो एमएसएमई है वो अपने अकाउंट रिसीवर्स को जो है मल्टीपल फाइनेंशियर से जैसे बैंक एनबीएफसी से जो है वो डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वो अभी इसी वक्त जो है इसको इस इनवॉइस को कैश में कन्वर्ट जो है वो कर सकता है। कैसे, तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, आपके जो भी इनवॉइस की वैल्यू होती है उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, जैसे कि 10,000 रुपये अपने चार्जेस डिडक्ट किए और इमिडिएटली बेसिस पे आपको बाकी का जो पैसा है वो दे देता है, जिससे आप आसानी से अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हो, और बैंक बाद में क्या करता है बायर से जाकर पैसा जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर कंपनी बनाई गई थी वो यहाँ पर चैट बॉक्स में आपने बताना है इसका आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साथ में मिलकर जो है वो बनाया था, यानी कि पार्टनरशिप में बनाया था, जो भी कैपिटल वगैरह थी इन दोनों ने मिलकर जो है वो लगाया था। पर्पस यही था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो अपने रिसीवेबल्स को फाइनेंस करवा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैन टैप अपॉर्चुनिटीज एट द ग्लोबल लेवल फॉर। देखो हमारा ये जो इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है
जहां पर ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बन रही हैं, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, साथ के साथ ग्लोबल बिजनेसेस के साथ जो है वो कोलाबरेशन भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी से इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी जो कंपनीज हैं जो एमएसएमई सेक्टर है वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, उनका एक्सेस जो है वो उन्हें मिल सके, साथ के साथ वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी कोलाबरेशन कर सके ताकि उनका बिजनेस भी एक्सपैंड हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया समैरा, जिसको हम शॉर्ट में समैरा कहते हैं। तो ये जो एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला देखो, टू प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग एक्सक्लूसिवली फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन, तो लार्ज कॉर्पोरेशंस को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करना, या फिर टू मॉनिटर मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई। तो जो हमारा एमएसएमई है उसके अंदर जो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको मॉनिटर करना, साथ के साथ हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर करना, या फिर टू फैसिलिटेट ग्रेटर एंड इजियर फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू एमएसएमई थ्रू क्रेडिट रेटिंग्स। तो क्या लग रहा है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो हमारा एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है ना, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि अगर अच्छी कंपनीज हो तो उनको आसानी से बैंक से लोन वगैरह जो है वो मिल सके। देखो क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, तो हम बेसिकली बताते हैं क्रेडिट रेटिंग के जरिए कि कोई कंपनी कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वो कंपनी अच्छी है, अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है तो वो कंपनी खराब है, ठीक है। तो अगर किसी को क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिल गई है तो उसे बैंक आसानी से लोन जो है वो दे सकता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है बैंकिंग से एमएसएमई सेक्टर की तरफ उसे हमें इंक्रीज करना है क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारी कुछ इंस्टीट्यूशन थी जो कि यहाँ पर सिडबी के साथ में मिलकर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको डेवलप करने का काम जो है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। देखो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब है ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल एरियाज के अंदर अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है इनको भी तो सपोर्ट की जरूरत होती है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह जो है वो दे सके। तो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेनली कौन यहाँ पर रीफाइनेंस सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है? रीफाइनेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, तो आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बोथ एएनबी। फटाफट से यहाँ पर बता दें कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कौन यहाँ पर मेनली रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग वगैरह जो है वो कर सके? आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बोथ एएनबी। एनीबॉडी फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाबार्ड इज अ करेक्ट आंसर। क्या है नाबार्ड इज अ करेक्ट आंसर? तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसे 1982 में जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 जो है वो पास किया था, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? तो मेनली देखो नाबार्ड जो है हमारे देश के अंदर जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं, क्योंकि इसके नाम में आपको दिख रहा है ना एग्रीकल्चर और रूरल। तो ये प्राइमरी एजेंसी है हमारे देश के अंदर, अपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पर रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है डेवलप करने का काम, प्रमोट करने का काम करती है, जिसके लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, साथ के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च करती है, ठीक है, और नॉलेज वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, इनके प्रमोशन के लिए जो है वो काम करती है और इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नाबार्ड के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला,
नवार्ड फंक्शनल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो नबार्ड एक तरह की डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। जैसे कि ये हमारी इकोनॉमी के अंदर रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो ये आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये नॉर्मल पब्लिक को यहाँ पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, ये ध्यान में रखना है। नबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शंस ऑफ आरबी एंड रीफाइनेंस फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखो जब नबार्ड को बनाया गया था तो नबार्ड को बनाने से पहले ये काम आरबीआई करता था, और आरबीआई के अंदर एक यहाँ पर कॉर्पोरेशन थी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और वो रीफाइनेंस का काम जो है वो करती। तो जैसे यहाँ पर नबार्ड बना तो आरबीआई का जो एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करने का जो फंक्शन था, और ये जो कॉर्पोरेशन है उसका जो रीफाइनेंस प्रोवाइड करने का जो फंक्शन था, वो किसके पास आ गया था? नबार्ड के पास आ गया था। यानी कि अब से नबार्ड ये दोनों फंक्शन जो है परफॉर्म करने लग गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। While NABARD has been entrusted with the responsibility of supervising cooperative banks in short term cooperative credit structure and reserve banks, तो NABARD को ये भी responsibility बनी हुई है कि मिली हुई है कि short term cooperative credit structure के अंदर cooperative banks और reserve banks को supervise करे, देखें कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द NABARD। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नबार्ड फंक्शन एज अ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय नबार्ड इंक्लूड। तो अभी रीसेंट में नबार्ड ने यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए? तो पहला नबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में नीडा कहते हैं, ये स्कीम नबार्ड ने लॉन्च की थी, और स्कीम के अंदर बेसिकली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ताकि हमारे देश के अंदर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रीफाइनेंस असिस्टेंस और डीसीबी। डीसीबी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो जो नबार्ड है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को डायरेक्टली जो है रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि वो आगे चलकर, ठीक है, जो पीएसीएस है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, उसे यहाँ पर फंडिंग दे सके और वो आगे फार्मर्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है सपोर्ट फॉर पीएसीएस एज अ मल्टी सर्विस सेंटर। तो जो नबार्ड है वो बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, जिसे यहाँ पर डीसीबी फंडिंग प्रोवाइड करता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, ताकि वो एक फार्मर को एक ही जगह पे सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे जो इनिशिएटिव है वो नबार्ड ने जो है वो लिए है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज आर करेक्ट आंसर। और अब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नबार्ड। इसमें से कौन सा हमारा नबार्ड का फंक्शन नहीं है? प्रोवाइड्स रीफाइनेंस लोन्स एडवांसेस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आरआरबी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली यहाँ पर जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर रीजनल रूरल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जो भी फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किया, लोन वगैरह दिया है फार्मर्स को, रूरल हाउस होल्ड को, तो उनको रीफाइनेंस करने का काम जो है नबार्ड करता है। उसके बाद एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर रूरल क्रेडिट प्लानिंग क्रिएटिंग पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है, ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ रूरल क्रेडिट प्लानिंग जो है वो की जा सके और उसको आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। और जो हमारी गवर्नमेंट है, आरबीआई है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी जो है वो काम करते हैं, ताकि वो एक अच्छी पॉलिसी वगैरह जो है वो बना सके। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पर नबार्ड के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एस्टैब्लिश्ड बाय नबार्ड इन 2011 विद द इनिशियल कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो नबार्ड ने एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड बनाया था 2011 के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्यों बनाया गया था, इसका मेन पर्पस यहाँ पर क्या था। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्यों क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए ये फंड जो है वो बनाया गया था। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो देखो जब यहाँ पर सिंगल सिंगल फार्मर अपनी अपनी खेती करते हैं, जैसे मान के चले एक गाँव है, उसके अंदर यहाँ पर 10 फार्मर्स है जिनके पास छोटी छोटी यहाँ पर जमीन है। ठीक है, जब वो अकेले अकेले खेती करते थे तो क्या दिक्कत आती थी कि अकेले होने की वजह से ना तो उनके पास इतनी कैपिटल थी कि वो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, और ना ही उनके पास इतनी ज्यादा
फसल होती थी कि वो बाजार में जाकर बार्गेनिंग कर जाके, जिससे इनकी इनकम काफी कम हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, जिसके अंदर जो ये फार्मर्स होते हैं जो पहले अकेले अकेले खेती कर रहे थे, अब ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये जो ग्रुप है वो साथ में मिलकर जो है वो खेती करता है। जैसे 10 फार्मर मिल गए, ठीक है, आपस में इन्होंने अपने आपस में मिलकर इन खेतों पे जो है वो काम करने लगे, यानी कि 10 फार्मर यहाँ पर पैसा लगाएंगे, जो भी प्रोड्यूस होगा वो 10 फार्मर का होगा और वो बाजार में जाकर मार्केटिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, ठीक है, साथ के साथ बाजार में जाके बार्गेनिंग भी कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासी फसल होती है, कि इनके पास अच्छी खासी यहाँ पर फसल होती है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग बन गए तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पर स्ट्रांग जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, उनकी भी इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो इस फंड को इसीलिए लेकर आया गया था ताकि हमारे ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड है इनको मजबूत बनाया जा सके, इनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ऑप्शन ए देखो, टू स्ट्रेंथन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर एनहांसिंग देयर इनकम थ्रू इंप्रूव्ड बार्गेनिंग पावर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका पर्पस क्या था, मेन कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है, खास करके जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ताकि उनको उनकी इनकम को इनहांस किया जा सके, साथ ही साथ उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, इनको भी इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख ले, तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एम टू सपोर्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन निगलेक्टिंग स्मॉल प्रोड्यूसर। तो ये गलत है, ये लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन पे फोकस नहीं करती है। पीओडीएफ वाज एस्टैब्लिश प्राइमरी टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग देम। तो ये भी यहाँ पर गलत है, कंपटीशन को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा मेन पर्पज था प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड को बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीड बैंक स्कीम। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि लीड बैंक स्कीम के रिगार्डिंग करेक्ट है। अब ये लीड बैंक होता क्या है, तो देखो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक जो है वो साथ में मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप अगर एक शहर में ही देखो तो आपको वहां पर 2 से 3 बैंक जो है वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम के अंदर क्या होता है, लीड बैंक स्कीम के अंदर एक एक लीड बैंक को जो है लीडर बैंक को सिलेक्ट किया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट जो भी इसे अलॉट की गई, नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट दी जाती है, कई केसेस में अगर डिस्ट्रिक्ट छोटे तो 2 डिस्ट्रिक्ट या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएंगे। तो लीड बैंक का काम क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट उसे अलॉट हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक हैं ना, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि वो साथ में मिलकर जो है वो काम कर सके। अकेले के लिए काम करने के बजाय उनको इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ना कि वो साथ में मिलकर जो है काम करें, उनकी जो पॉलिसीज है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ताकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसका जो है इंक्रीज किया जा सके, फ्लो इंक्रीज किया जा सके। तो पहला लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1969। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। द स्कीम एम्स टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये भी करेक्ट है, स्कीम का एम क्या था कि जितने भी हमारे बैंक या डेवलपमेंट एजेंसीज काम करी उनकी जो एक्टिविटीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हम एक पर्टिकुलर बैंक को जो है लीड बैंक जो है वो असाइन करते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पर बैंक और डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द लीड बैंक स्कीम। ओके, क्लियर है आपको, याद है एक बार चैट बॉक्स में बता दें, और डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में ऐसा करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी इज अ फोरम फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल। देखो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है, और ये बेसिकली जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है, उसे इंक्रीज करती है। ये जो फॉर्म होती है वो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल क्रेडिट प्लान होते हैं, ब्लॉक क्रेडिट प्लान होते हैं, उनको प्रिपेयर करती है, रिव्यू करती है, और फाइनली उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करती है। और अगर कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्रेडिट प्रोग्राम को, तो उसे यहाँ पर रिजॉल्व जो है वो करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। तो ये जो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी होती है उसका चेयरमैन यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, फटाफट से बता दो। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट मिनिस्टर फॉर फार्मर। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी। ये जो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी होती है इसका चेयरमैन कौन होता है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल का मेन काम यही है कि ब्लॉक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना ताकि वो एक साथ मिलकर जो है वो काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कमिटी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉमन फॉर्म एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर बैंकर एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट, इट फैसिलिटेटेड कोऑर्डिनेशन इन इंप्लीमेंटिंग वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडर द लीड बैंक स्कीम, द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड डेजिग्नेटेड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझो, एक ऐसी कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है और ये बैंकर्स एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए कॉमन रहती है, और इसका पर्पस क्या है कि ये बेसिकली जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाना। तो लीड बैंक स्कीम के अंदर आप जितने भी स्कीम ले आओगे इंप्लीमेंट करोगे तो उनको मैनेज करने का काम जो है ये कमेटी जो है वो करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट लीडर जो है उसका चेयरमैन होगा। तो इसका नाम क्या है फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, इस कमेटी का नाम क्या है फटाफट से बता दीजिए, इस कमेटी का नाम आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस कमेटी का नाम? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी? इस कमेटी का नाम क्या है फटाफट से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी इज अ करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश आर सिंप्लीफाइड सेविंग अकाउंट ऑफर्ड बाय बैंक्स दैट कम विद अ मिनिमम जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट, इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर्टिकुलरली द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसके अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने का बेसिक पर्पज यही था कि जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज है वो सोसाइटी के हर पर्सन के पास जो है वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ पर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज सेगमेंट्स होते हैं जो कि उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये जो अकाउंट था वो लेकर आया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खासियत इसकी क्या है, यहां पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो अगर आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो तो कौन सी कंडीशन आपको यहां पर फुलफिल नहीं करनी पड़ती है? पहले देखो यहाँ पर क्या है, टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, तो ये तो कंडीशन आपको माननी पड़ती है कि अगर आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो उसके अंदर एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 1 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट होल्ड शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपके अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस है वो कभी भी 50,000 से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोटल डेबिट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉवल एंड ट्रांसफर विल बी नॉट एक्सीडेड 10,000 रुपीज इन अ मंथ, तो एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं निकलवा सकते हो विड्रॉवल ट्रांसफर के थ्रू, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज, तो ये कंडीशन यहाँ पर जो है वो नहीं रहती, ये कंडीशन जो है वो नहीं रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर फॉरेन रेमिटेंस आपको चाहिए तो नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो तीन कंडीशन कौन सी है, पहले तो आप 1 साल के अंदर इस अकाउंट के अंदर 1 लाख से ज्यादा रुपए क्रेडिट नहीं करवा सकते हो, साथ ही साथ जो आपका मैक्सिमम बैलेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप पैसे विड्रॉ करवा रहे हो तो एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते विड्रॉवल ट्रांसफर के जरिए, दोनों ही इसमें इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड है मनरेगा के साथ। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है एक सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसे लेकर आया था इंडिया ने 2005 के अंदर, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड है उनको गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करें ताकि उन्हें काम मिल सके, उनके पास पैसा और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, वो अपने बेसिक नीड्स को आसानी से फुलफिल जो है वो कर सके। तो मनरेगा जो है वो पहली बार 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंप्लीमेंट की गई थी, उसके बाद 2006 में इसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 2006 में जो है यहाँ पर 200 डिस्ट्रिक्ट तक ये एप्लीकेबल हो गई थी, उसके बाद इसको एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल मई 2007 को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें भी 2008 में जो है वो कवर कर दिया था। इस समय 644
डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो स्कीम है वो काम कर रही है, जहां पर बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है। तो आपने अब इस केस स्टडी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करवाने, तो पता तो आपको लग ही गया होगा मनरेगा क्या है। ये बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो है वो काम करती है, मिनिमम डेज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज मनरेगा गारंटी फॉर रूरल हाउसहोल्ड, यानी कि अगर आप मनरेगा के अंदर काम लेना चाहते हो तो आपको किस तरह का काम यहाँ पर मिलेगा। तो पहला देखो अंस, जो करेक्ट आंसर है वो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अगर माने मान के चलो कोई हाउस होल्ड है, कोई यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड है और उसका एक अडल्ट मेंबर है, तो उसे, ठीक है, उसे यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो दिया जाएगा, जहां पर ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती और हम हाथों से जो है वो काम करते हैं, मैनुअली जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयड डज मनरेगा प्रोवाइड द रूरल हाउसहोल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मनरेगा है वो रूरल हाउसहोल्ड को कितना वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है, कितने दिनों की। फटाफट से यहाँ पर बता दिए कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मनरेगा के अंदर लोगों को कितने दिनों का काम जो है वो मिलता है। फटाफट से बता दिए यहाँ पर, मनरेगा के अंदर एक पर्सन को, एक अडल्ट मेंबर को रूरल हाउसहोल्ड के कितने दिनों का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाता है। फटाफट से इसका आंसर बता दें। इसका जो आंसर है वो है 100 डेज, 100 डेज का करेक्ट आंसर, यानी कि मिनिमम 100 दिनों का काम जो है वो दिया जाता है एक साल के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेंशियल चैलेंज फेस बाय मनरेगा, एक यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मनरेगा यहाँ पर फेस कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर क्या है। तो इसका नाम है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मनरेगा जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब जितना बेनिफिट होना चाहिए था देश को उतना बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इन द फाइनेंशियल मैट्रिक यूज्ड बाय बैंक्स टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक यूटिलाइज टू लेंड एज लोन और एडवांसेस टू इट्स कस्टमर, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जो कि यहाँ पर बैंक यूज करते हैं ताकि वो मेजर कर पाए कि उन्होंने जो भी यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका कितना प्रपोर्शन जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। पहले लोन टू वैल्यू रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज अ करेक्ट आंसर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। तो ये रेशियो हमें बताती है कि एक बैंक कितना यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है और डिपॉजिट का कितना हिस्सा जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए, अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और वहां पर वो 40 करोड़ रुपए जो है वो लेंडिंग कर रही है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज कितनी होगी, 40% की, कितनी होगी, 40% की, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है उसके 40% के इक्वल ही वो लेंडिंग जो है वो कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी कैसे निकाला जाता है तो इसको भी एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाऊंगा। तो मान के चलिए आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 100 करोड़ रुपए का ही है और जो आपके कि आपके यहाँ पर 30 करोड़ रुपीज है, ठीक है, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, तो जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए उसे आपने ऊपर रखना है और जो आपके टोटल डिपॉजिट उसको डिवाइड कर देना है और इंटू कर देना है 100, ठीक है। तो आपको 30 को डिवाइड करना है 100 के साथ, जब आप 30 को 100 के साथ यहाँ पर डिवाइड करते हो, वैसे तो 30% आ गए, फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको जो है वो बता देता हूँ। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका 30%, ठीक है। यानी कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेज है उसके 30% के इक्वल बैंक यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेज जो है वो दे रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किए हैं उसके 30% के इक्वल जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड जो है वो कर रहा है अपने कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे सीडीयू रेशियो बैंक्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है वहां पर सीडी रेशियो कितना यहाँ पर बैंकों को मेंटेन करना जो है वो पड़ता है। पर देखो, बैंक्स हैव बीन एडवाइज टू अचीव अ सीडी रेशियो ऑफ 60% इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस सेपरेटली ऑन अ ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है उनको बोला गया है कि आपको ये जो सीडी रेशियो है वो 60% जो है मेंटेन करनी है, यानी कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से, तो 60% आपको कम से कम लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो देने पड़ेंगे। तो आपका ये रेशियो जो है वो होना चाहिए, 60% रेशियो जो है वो होना चाहिए। कई ऐसे यहाँ पर एरियाज होते हैं, कई यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर जो क्रेडिट डिस्पेंशन है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है, यानी कि वहां पर जो बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज है वो बहुत ही कम जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना, ठीक है,
और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अवेयरनेस की कमी होना, ठीक है। तो बैंकों को अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए इन ब्रांचेस के केस में, जहां पर ये बहुत ज्यादा कम है, क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफी कम है, तो वहां पर बैंकों को जो है वो ध्यान देना चाहिए और क्रेडिट फ्लो को यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ आता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, डैश वॉज लॉन्च इन 1962 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन ऑब्जेक्टिव टू इवॉल्व इफेक्टिव टेक्निक्स एंड मेथड्स प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग द इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो 1962 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें यहाँ पर इफेक्टिव टेक्निक्स, मेथड्स और प्रोग्राम्स को इवॉल्व करना है, डेवलप करना है, ताकि इसके हेल्प से हम विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए, प्रमोट कर पाए, ठीक है। पहला रीजनल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम, या फिर रूरल इनोवेशन इनिशिएटिव, या फिर रिमोट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी स्कीम है? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ स्कीम का नाम क्या है, फटाफट से बता दो स्कीम का नाम क्या है। जो स्कीम है वो है ऑप्शन डी, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट इज अ करेक्ट आंसर, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1954 सर्व्स एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग द स्मॉल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। तो 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाया गया था, जो कि यहाँ पर मेनली हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं ना, उनको प्रमोट करने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और उनको हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सी बॉडी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पहला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, या फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली इसको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 1954 में बनाया गया था, ताकि हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और उनको प्रमोट और डेवलप भी किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन मई 1979, ठीक है। तो मई 1979 के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका मेन फोकस यहाँ पर क्या था, कंडक्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम्स, या फिर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्विस फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, या फिर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन क्रेडिट एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फटाफट से बता दीजिए ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर प्रोग्राम था, इसे किस लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था, किस लिए किया गया था, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंडक्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम इज अ करेक्ट आंसर। तो इस प्रोग्राम के जरिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए गए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बॉडी वॉज एस्टैब्लिश इन 1951 टू प्लान, ऑर्गेनाइज, इंप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसमें से कौन सी बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1951 के अंदर, ताकि हमारे देश के अंदर जो खादी और अदर विलेज इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज के अंदर, उनको डेवलप किया जा सके, ठीक है, और उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर यहाँ पर प्लानिंग वगैरह की जा सके और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, या फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो फटाफट से इस बॉडी का नाम बता दीजिए जो कि यहाँ पर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए प्लानिंग करती है और उन्हें इंप्लीमेंट करती है, ताकि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अ करेक्ट आंसर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विस स्कीम एम्स टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल आर्टिसंस इनटू कॉम्पिटिटिव ग्रुप फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम था जिसका एम था कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस है ना, उनको जो आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो हाथ से बने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, उनको एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सके,
ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना काम जो है वो कर सके, यानी कि जो भी अदर इंडस्ट्रीज है उनके साथ प्रॉपरली कम्पीट वगैरह कर सके। तो ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, या फिर इंटरेस्ट सब्सिडी, या फिर मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्कीम एम्स टू डेवलपिंग आर्टिशंस क्लस्टर इनटू सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइजेस थ्रू मेंबर पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। देखो आर्टिशन क्लस्टर का मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं का ग्रुप जो है, तो कौन सी स्कीम थी जिसका मेन फोकस यही था कि ये जो हमारे आर्टिसन क्लस्टर थे इनको एक सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए, ठीक है, और ये काम हम मेंबर पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन के साथ करेंगे। तो कौन सी यहाँ पर स्कीम थी, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर ब्लॉक लेवल क्लस्टर, या फिर अम्बेडकर हार्डशिप विकास योजना, या फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? तो कौन सी ऐसी स्कीम थी जो कि ये चाहती थी कि जो आर्टिसंस क्लस्टर्स है उनको सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेवलप किया जाए? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक लेवल क्लस्टर, अम्बेडकर हार्डशिप विकास योजना, या फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अम्बेडकर हार्डशिप विकास योजना इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अंडर दिस स्कीम डज द गवर्नमेंट एम टू स्केल अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन चेन इन हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर जो गवर्नमेंट था उसका एम था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रोडक्शन चेन है हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर के अंदर, उन्हें यहाँ पर स्केल अप जो है वो किया जा सके, ताकि हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स को मॉडर्नाइज किया जा सके और उनका एक ब्रांड जो है वो बिल्ड किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, या फिर यार्न सप्लाई स्कीम, या फिर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर वेबर मुद्रा स्कीम? तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, कौन सी स्कीम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को जो है वो डिस्कस कर लिया है। ये हमारे मॉड्यूल बी की सेकेंड क्लास थी, फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जो जिसके अंदर हमने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो क्लास को भी एक बार यहाँ पर जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की क्लासेज हैं वो भी हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी, तो आपको उनको गो थ्रू करना है अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो। और इसी के साथ अगर आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर इस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हो तो प्रिपरेशन आपको सिस्टमैटिक वे में करनी पड़ेगी और सारा सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सारा नहीं तो कम से कम 90-80% तो आपको गूगल करना पड़ेगा। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में रूरल बैंकिंग में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, यानी कि हम कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में कवर करते हैं और सारा सिलेबस उसमें कवर होता है और अपडेटेड भी रहता है। जो भी चेंजेस वगैरह है वो हम आपको करके देते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ई पीडीएफ नोट्स देते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है, यानी कि अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं करवाते हो तो आप बाद में उसे जो है वो देख सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके बेस्ट कोर्स रहने वाला है। हमारे कोर्स की खासियत क्या है कि सारा का सारा जो सिलेबस है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन में हमने कवर किया हुआ, जिससे आप कम टाइम में, क्योंकि आपके पास पहले ही बहुत कम टाइम होता है, आपको जॉब भी पे भी जाना होता है, तो बहुत ही कम टाइम में रूरल बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो और ये सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है तो आप आसानी से उसको प्रिपेयर जो है वो कर सकते हो। तो आप अगर
रूरल बैंक की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है, तो हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों ही जगह पे अवेलेबल है। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स और वहां पर आपको हमारे ऐप मिल जाएंगे और इनके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर ऐप के नाम ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी यहाँ पर जो डाउट हो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे यहाँ पर मिस ना हो जाए। और क्लासेस की जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो भी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो इसे जरूर यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्सेज पे आपको लगभग अप टू 82% तक का यहाँ पर जो है वो ऑफ मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा है, काफी अच्छा ऑफर है आपके लिए। और अगर आप कॉम्बो कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको 5% तक का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDAN। तो आप अगर इस कूपन कोड का यूज करोगे और कॉम्बो कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको 5% तक का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप हमारे कोर्सेज को जरूर यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर ओवर होता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और ऐसे ही जो बाकी क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर जरूर उनको गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।